नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से बंदिशों के साथ शहर में शुरू होगा व्यापार। महिला वकील से अभद्र बर्ताव, सड़क हादसे में मजदूर की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। आज से बंदिशों के साथ शहर में शुरू होगा व्यापार। नागपुर शहर में बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से लागू की गई पाबंदियों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार 22 मार्च से शहर में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी किया गया नया आदेश लागू होगा। इस आदेश के अनुसार शहर में बंदिशों के साथ दोपहर 4 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। हालांकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले 7 दिनों के लॉकडाउन की सभी सख्ती जारी रहेंगी, लेकिन नए आदेश के लागू होने के साथ ही सोमवार से शहर के होटल, रेस्टोरेंट, उपहार गृह में शाम 7 बजे तक बैठकर खाने की अनुमति भी दी गई है। पिछले 7 दिनों से बंद पड़े व्यापारी प्रतिष्ठान सोमवार से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे। इस बात से व्यापारी संगठनों में हर्ष व्याप्त है। तो वही दूसरी ओर महिला वकील से अभद्र बर्ताव। भावी पति को मारने की धमकी देकर महिला वकील से अभद्र बर्ताव करने वाले के खिलाफ मानकापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रीतम उर्फ प्रीतिलाल ठौरे कल्पना नगर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रीतम और 32 वर्षीय वकील युवती की पुरानी मित्रता है। दोनों साथ में ही काम करते थे, बाद में उनके बीच अनबन हो गई। इसी बीच युवती की शादी तय हो गई। उसकी शिकायत के अनुसार 20 मार्च को प्रीतम ने उसे गालियां देकर भावी पति को जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर मानकापुर पुलिस ने छेड़खाने तथा धमकाने का मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरे और सड़क हादसे में मजदूर की मौत। बुट्टी बोरी समीप टोल नाका परिसर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर खेतीहर मजदूर की मौत हो गई। मृतक ज्ञानेश्वर वामनराव कोल्ले है। घटना शुक्रवार 19 मार्च की रात करीब 8:30 पर हुई। कोल्ले बुट्टी बोरी निवासी प्रवीण भास्कर राव वर्गने के खेत में काम करता था। वह बाजार से सामान खरीदी कर घर लौट रहा था। नागपुर चंद्रपुर हाईवे पार करते समय किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सिर पर गंभीर चोटें आने से कोल्ले ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रवीण वर्गने की सूचना पर बुट्टीबोरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थानेदार कोकाटे के मार्गदर्शन में अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।